हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को दोस्तों ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन लेबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं उन्हें नोट डाउन करते हैं ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाए तो इन लेबल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंटरडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को नौ बजे या नौ बजे के पहले पहुंच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं फॉर अगर आप ऑप्शन के अंदर डेरीवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव सेलर एक्टिव है या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम ये तीन मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं इनकी सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेबल होते हैं हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं और अगर आप प्लेटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ उस ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ सो so, दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी और हमारे इंटरडे ट्रेड्स के बारे में सो फ्रेंड्स शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 18.94 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स 4.87 परसेंट का फॉल देखने को मिला हुआ है यहाँ पे और बिलो 19 सेटल होता हुआ नजर आ रहा है बढ़िया और पहला पॉजिटिव फैक्टर ये मार्केट के लिए इंडिया विक्स के अंदर में गिरावट आना मतलब आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में सो so, निफ्टी आज लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर ओपनिंग हुई लेकिन क्लोजिंग उसकी 13,150 के नीचे लगभग 13,136 के आसपास में 23 पॉइंट्स के गेन के साथ बैंक निफ्टी 23,448 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखें तो दोनों ही प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि निफ्टी फ्यूचर 13,202 के आसपास काम कर रहा है इनफैक्ट अगर इसे दे, आपने देखा रहेगा फॉलो किया रहेगा इस दिन के अंदर में तो निफ्टी फ्यूचर मैक्सिमम टाइम जो है वो थर्टीन के ऊपर ही बिताया है आज के दिन में सो so, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं ना फीलिंग वहां से आती हुई नजर आ रही है मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट के अंदर में गिरावट होगी और गिरावट होगी तो निफ्टी शायद से थर्टीन थाउजेंड तोड़ के ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड के आसपास जाता हुआ नज़र आया लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ क्योंकि एफ का पार्टिसिपेशन आज के दिन में देखने को मिला कैश के अंदर में एफ 3,000 ने थ्री प्लस करोड़ की ख़रीदारी की हुई है एट द सेम टाइम एफ ने जो उसके लॉन्ग पोजिशन है उस लॉन्ग पोजिशन को भी इंक्रीज़ किया है इंक्रीज़ uh, किया है शॉर्ट पोजिशन भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है लेकिन जिस तरह से दो दिन के अंदर में फॉल हो रहा था लॉन्ग पोजिशन वो कम कर रहे थे उसे रोकते हुए नजर आए ये

प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा कॉशिज़ व्यू लेना चाहिए हमें क्योंकि कभी भी वीक के अंदर में किसी भी दिन ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन एफ आई प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाएंगे और अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाएंगे तो उस दिन आपको मार्केट निफ्टी बेसिकली 200 पॉइंट गिरता हुआ नजर आ सकता है अब निफ्टी भी थर्टीन थाउजेंड के आसपास में काम कर रहा है तो थर्टीन थाउजेंड का वन परसेंट अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा टेन परसेंट होगा थर्टीन हंड्रेड एंड वन परसेंट इज अराउंड वन हंड्रेड थर्टी पॉइंट्स सो वन परसेंट से ऊपर गिरता है थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो लगभग टू पॉइंट्स के आसपास गिरने का चांसेस बन जाता है निफ्टी का निफ्टी uh, और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी जैसा कल के दिन में मेंशन किया था वीक नजर आ रहा है और निफ्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आपको दूसरे ढंग से समझना है तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा रहा है और बैंक निफ्टी थर्टी थाउजेंड को भी क्रॉस करने में पसीने छूट रहे हैं बैंक निफ्टी के सो so, येस yes, बैंक निफ्टी वीकर लग रहा है क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ, ना कुछ रोज न्यूज़ आ जाता है जैसे मोरेटोरियम का न्यूज़ था अब एच बैंक का न्यूज़ है उसके चलते हुए यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है चलिए देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर में पॉइंट वाइज तो हमें देखने को मिल रहा है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर्टीन पॉइंट्स लेकिन चार्ट के ऊपर में फिफ्टीन मिनट्स के चार्ट पे और डेली चार्ट के ऊपर में निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने किस तरह का कैंडल बनाया है उस कैंडल से हमें क्या समझ के जाना चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट लेबल्स हो सकते हैं लेकिन उसके पहले देख लेंगे कि आज के दिन में हमने कौन सा पोजिशन बनाया हुआ था सो so फ्रेंड्स आज एक्सपायरी थी एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए हमने ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का बैंक निफ्टी पुट बाय किया था सेवेंटी रुपीज़ के आसपास में बाय किया था एंड वन फिफ्टी रुपीज़ के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ़ किया तो लगभग वन हंड्रेड एंड फोर्टीन परसेंट का वहां पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आया हुआ है सो so, अगर आप हमारे प्लेटनाम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप पे मिल रहे होंगे और अगर नहीं मिल रहे हैं तो एट टू नाइन वन एट जीरो टू नाइन टू सिक्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरी टीम आपको वहाँ पे इसके लिए हेल्प कर देगी चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये जो आने वाला वीक है इस वीक के अंदर में किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकता है सो so दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और पहले समझने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन को अब देखिए शुरुआत फर्स्ट दिसंबर की शुरुआत होती है पहला ही प्रॉफिट बुकिंग कैंडल लेना है उसके बाद में अच्छी रैली होती है थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड देन दूसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग लेबल कहाँ पे आया है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी थी फर्स्ट कैंडल की उसके पास में आते हैं एंड वहाँ से शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है मूवमेंट वो मूवमेंट कंटिन्यू होता है और आज के दिन में गैप अप ओपनिंग देखने को हमें मिली फर्स्ट कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे ओपन हुआ लगभग लगभग थर्टीन थाउजेंड 215 के आसपास में क्लोजिंग 13,215 के आसपास में ओपनिंग होते हुए नज़र आया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नज़र आया लेकिन उसके बाद में कर, एक बार ओपनिंग यानी ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन फिर कंटिन्यू फॉल हुआ कंटिन्यू वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला 12 बजे के बाद से जो चीज़ हुई निफ्टी के अंदर में वो था कॉन्सॉलिडेशन सो बारह बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ कॉन्सॉलिडेशन देखने को मिला हुआ है बढ़िया है पॉजिटिव इसमें यहां हमें यह समझ के जाना चाहिए कि इतना गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद देखिए पहले रेजिस्टेंस था पहले रेजिस्टेंस क्या था आपके लिए पहले रजिस्टेंस थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव के आसपास में इतना गैप अप होने के बावजूद जो प्रॉफिट बुकिंग हुई फिर भी यहां पर आके बाइंग देखने को मिली यहां पर कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला यह समझना चाहिए मॉर्निंग के अंदर ही थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड पे हैवी राइटिंग देखने को मिल रही थी पुट के अंदर एंड कॉल के अंदर हैवी राइटिंग देखने को मिल रही तभी समझ में आ गया था कि एक्सपायरी इसी के बीच में ही होने वाली है और वैसे होते हुए नजर भी आया हुआ है सो so, कॉन्सलिडेट कर रहे यानी अगर कुछ नॉर्मल न्यूज रहा तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है बात करेंगे लेबल्स के बारे में डेली चार्ट के ऊपर में और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए क्या बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी भी है ये कुछ कैंडल्स को देखते हुए लग रहा था यस बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी भी है लेकिन इस कैंडल को देख के एक चीज तो क्लैरिटी है कि ऊपर की तरफ जिस तरह से नीचे की तरफ हर लेवल पे आपको बाय ऑन डिप्स मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है ऊपर की तरफ हर लेवल पे आपको सेल होता हुआ भी नजर आएगा और इसका रीजन क्या है एफ लॉन्ग्स बहुत बना चुके हैं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे वो सो so, कौन से लेवल्स को हमें ध्यान देना चाहिए ऊपर की तरफ सेल समझ में आ रहा है पर लेवल्स कौन से ध्यान देने चाहिए हमें uh, एक सपोर्ट थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड के पास बेहतरीन है अब आज भी हम थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास में जाते हुए नजर आए हमने लो क्या बनाया आज के दिन में लो देखिए लो आपको थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवन के आसपास में दिखा तो थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास में अगर जाता है तो एक बार लॉन्ग क्रिएट कर लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शन चेन पे पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा स्टॉप लॉस क्या लगाएगा? लगाएंगे लॉसेंड सिक्स के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए सेवेंटी फाइव एक इंपॉर्टेंट लेवल है लेकिन हो सकता है दस पंद्रह पॉइंट ऊपर नीचे देखने को मिले तो थर्टीन थाउजेंड सिक्सटी के आसपास में स्टॉप लॉस लगाइए ऊपर की तरफ अगर आपको मिलता है थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर की ओपनिंग होती है आई विल सजेस्ट थोड़ा वेट करिए 13,250 के रेंज में आए तो शॉर्ट क्रिएट करिए और इसका टारगेट होना उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए थर्टीन एंड टारगेट होना चाहिए थर्टीन के आसपास में सो so, ऊपर की तरफ में आपको एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि ऐसा लेवल है जो लाइफ में पहली बार आ रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करिए अगर थर्टीन थाउजेंड अगर ऊपर की तरफ थर्टीन थाउजेंड टू फिफ्टी के आसपास में शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके लिए ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस बताया थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का Uh, वो ओके लुक एट दिस थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का बेसिकली uh, आपके लिए एक वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं एक स्टॉप लॉस बनाना चाहिए वहाँ पे एंड नीचे की तरफ टारगेट थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड अगर थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास में मिला थर्टीन थाउजेंड सिक्सटी का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करिए जिस तरह से पोजिशन बन रही है पोजिशन ऑप्शन चेन पे मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा थर्टीन थाउजेंड फिफ्ट थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के अंदर में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है तो ये लेबल्स के बारे में भारत हो गया हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू है भले रेड कैंडल बनते हुए नजर आया है पर गैप अप ओपनिंग की वजह से और कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देने की वजह से आज के दिन का भी हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू होता हुआ नजर आया ऑप्शन चेन देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या समझ में आ रहा है तो ऑप्शन चेन लेट मी चेक इट फर्स्ट टेंथ दिसंबर की हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग कहाँ दी हमने ऑप्शन चैन में हमने क्लोजिंग दी है निफ्टी के अंदर में थर्टीन थाउजेंड वन थर्टी थ्री के आसपास में सो थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड विल बी और एट द मनी आई विल आई डोंट कंसिडर थर्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी सो मैं इसे एट द मनी नहीं ले रहा हूँ लुक इट दी काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट वी हैव सिक्सटीन थाउजेंड नाइन एटी फोर का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है नाइनटीन थाउजेंड फोर सिक्सटी फाइव का ओपन इंटरेस्ट एंड हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट ट्वेंटी थाउजेंड 551 का देखने को मिल रहा हमें। है हमें हाईएस्ट एक्टिविटी कहाँ है 12,027 का एंड 12,235 सो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को हमें कहाँ मिल रही है वो देखने को मिल रहा हमें है हमें 13,500 पे सेकंड हाईएस्ट सेकेंड ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है 13,000 200 पे सो दैट्स आई एम सेइंग कि अगर 13,200, 13,250 टू हंड्रेड थर्टीन के आसपास में मिलता है एक बार शॉर्ट क्रिएट करिए एक एक चांस लेना बनता है क्यों चांस देना बनता है क्योंकि 16,000, 19,000 ये बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है जो रिस्क पे आते हुए नजर आएंगे हो सकता है कि आप यहाँ से एक बार रिवर्स कर जाएँ लेकिन अगर आप रिवर्स नहीं होते थर्टीन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि 13,300 पार करने के बाद में 13,450 एंड 13,500 के बीच का ही नेक्स्ट स्टॉप होगा यानी 13,450 से 13,500 का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा इसके निफ्टी के अंदर में सो so, एक्टिविटी थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के अंदर देखने को मिल रही है अगर आप एट द मनी देखें तो एट द मनी के अंदर में राइटिंग हुई है इन द मनी क्वारेंट वन में देखिए तो कॉर्डेंट वन में कुछ स्ट्राइक के ऊपर में आपको राइटिंग एंड जो डीप एट द मनी है डीप इन द मनी है वहाँ पर आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं सेकेंड कॉर्डेंट के अंदर में राइटिंग देखने को क्लियर कट मिल रही है पुट में देखिए पुट में क्या पोजीशन बन रही है पुट के अंदर में आपको 23,712 का ओपन इंटरेस्ट 13,100 पे 22,555 का ओपन इंटरेस्ट आपको 13,000 पे देखने को मिल रहा है और एक्टिविटी भी देखिए सबसे ज्यादा 18,747 की वहीं पे होती हुई नजर आ रही है थर्टीन थाउजेंड फोर्टीन की एक्टिविटी थर्टीन थाउजेंड पे आ रही है मतलब ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग का सपोर्ट का काम करेंगे बाय ऑन डिप्स अभी भी काम करेगा यहाँ पे अगर किसी भी रीजन की वैसे थर्टीन थाउजेंड के आसपास से मिलता है आंख बंद करके बाय कर लेना चाहिए आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए लॉन्ग बनने के पूरे चांसेस हैं सो बाय ऑन डिप्स अभी भी है रेंज क्या बन के आ रही है रेंज अगर आप देखेंगे तो रेंज आपको फिलहाल थर्टीन से थर्टीन टू हंड्रेड के बीच में कंसंट्रेट करना चाहिए 13,100 थाउजेंड वन हंड्रेड से थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड के बीच में कल डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर निकलते हुए या नीचे निकल नीचे की तरफ आते हुए नजर आएंगे हम आ, बड़ी रेंज जो है वो थर्टीन थाउजेंड से थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के बीच की है सो एक्सपेक्ट करिए कि निफ्टी इस वीक के अंदर में थर्टीन थाउजेंड से लेके 13,500 के बीच में काम करता हुआ ही नजर आएगा सो so दोस्तों ये बात होगी निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी देर में यहाँ पे मिल सकता है आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा अगर कुछ आप सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में मैंशन करिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद एस एज अ प्लेटिनम मेंबर होप आप बेनिफिट इंजॉय कर रहे होंगे वो आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार होगी और आप खूब सारा पैसा कमाएं गुड नाइट